हेलो दोस्तों मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बायो स्प्ता में स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं एगारोहमी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं इसलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज का क्या है अपडेट उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अग्रहवीं एडमिट कार्ड दो हज़ार चौबीस अर्थात अग्रहवीं के विद्यार्थी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है लो आ गया एडमिट कार्ड और जाने कौन कौन सब विषय की होगी परीक्षा और कौन कौन विषय की परीक्षा कब कौन सी डेट में होने वाली है इस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपको लिए हैं और कौन सा सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम देना है उस सब के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं है। जैसा कि आपको मालूम है आप लोग का तीन दिन का एग्ज़ाम होने वाला है सत्ताईस अट्ठाईस और उनतीस को उसमें दो सीटिंग में बांट दिया गया है पहला सीटिंग साइंस और कॉमर्स का है जबकि सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स कैंडिडेट को बांट दिया गया है आर्ट्स का आर्ट्स जो कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम दो बजे से होगा जबकि साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों का एग्ज़ाम दस पैंतालीस से स्टार्ट होगा तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सब्जेक्ट है जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आपका सताइस तारीख़ के कोर लैंग्वेज होगा जबकि पेपर टू आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा इसके साथ पेपर थी जो आपका एलेक्टिव आ जाता है एलेक्टिव के अंतर्गत आप जो सब्जेक्ट लिए होंगे उसमें आ जाएगा जैसे संस्कृत भी हो सकता है मीडिया भी हो सकता है रिटेल भी हो सकता है ये सब आपका लैंग्वेज के अंतर्गत इलेक्टिव के अंतर्गत आता है कोई कोई इंग्लिश इलेक्टिव भी लेते हैं अर्थात जो आप इलेक्टिव के रूप में लिए होंगे उसका एग्ज़ाम देना होगा टोटल आपको पांच सब्जेक्ट का एग्जाम देना है जिसमें आपको चार सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना अति आवश्यक है अगर आप ये पाँच में से चार पास हो जाते हैं चार में पास हो जाते हैं तो आप पास हो जाएगा अगर चार से कम होता है तो आप फेल कर जाइएगा तो चलिए देखिए इस तरह से आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा इसमें आप लोग को यहाँ पर जो देख रहे हैं सेंटर दिया हुआ रहेगा यहाँ पर पेपर वन पेपर टू और इसके बाद पेपर थ्री रहेंगे तो पेपर वन में जो आप कोर लैंग्वेज लिए होंगे टार्स कैंडिडेट हिंदी कोर लेते हैं कोई कोई इंग्लिश कोर लेते हैं अर्थात आप जो कोर लैंग्वेज में लिए होंगे वह पेपर पेपर वन के अंतर्गत आता है इसके बाद पेपर टू के अंतर्गत आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप तीन गो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए होंगे वो ले सकते हैं जैसे जियोग्रॉफी होगा हिस्ट्री होगा होम साइंस होगा ये तीनों हो सकते हैं या फिर होम साइंस के जगह पर आप और कोई सब्जेक्ट लिए होंगे तो भी उसके एग्जाम इसी में हो जाएगा इसके साथ पेपर थ्री में आपका इलेक्टिव होगा जो इलेक्टिव के अंतर्गत लिए होंगे वो आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत संस्कृत इंग्लिश इलेक्टिव या हिंदी इलेक्टिव जो लिए होंगे आर्ट्स साइंस कॉमर्स के कैंडिडेट जो अपना अपना सब्जेक्ट लिए होंगे इसके अंतर्गत ऐसा पेपर होगा इसके साथ एक और आता है एडिशनल एडिशनल के रूप में आप जो सब्जेक्ट होंगे उसका आपको एग्ज़ाम एलेवेंथ क्लास में नहीं देना है आपको ट्वेल्थ क्लास में देना है इसके पीछे इसके पीछे कुछ निर्देश दिया हुआ है उसको हम पढ़ देते हैं यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश अर्थात जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है उसका पालन आपको करना है नंबर एक होता है प्रत्येक परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है अर्थात तीस मिनट पहले ही आपको परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो जाना है सभी परीक्षार्थी से अनुरोध है कि वे जैक द्वारा जारी मूल एडमिट कार्ड के साथ ही परीक्षा केंद्र में पहुंचना है अर्थात आपको एडमिट कार्ड लेकर ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है किसी भी परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा अर्थात उसको अनुमति नहीं दी जाएगी इसके साथ अगला पॉइंट यहाँ कह रहा है सभी परीक्षार्थी एडमिट कार्ड पर उल्लिखित निर्देशों को पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है इसके बाद परीक्षा प्रारंभ होने के समय से आधा घंटा बाद आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा इसके बाद बोल रहा है प्रत्येक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कक्ष पर एक सीट नियतित नियत होगी जिस पर उसका अनुक्रमान लिखा होगा अर्थात रोल नंबर लिखा होगा परीक्षार्थियों को अपनी ही सीट पर ही बैठना होगा इसके साथ बोल रहा है परीक्षार्थी को अपना लेख सामग्री जैसे बॉल पेन या ब्लू ब्लैक पेन सिलाई पेंसिल आदि साथ लानी होगी और किसी भी प्रकार की सिलाई से लिखने की अनुमति नहीं है इसके बाद अगला पॉइंट कहता है परीक्षार्थी कक्षा में में परीक्षार्थी के पास किसी भी तरह का कागज़ नोटबुक किताबें कैलकुलेटर ब्लूटूथ डिवाइड या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइड पाए जाने पर परीक्षार्थियों को जैक के द्वारा अघोषित कर दिया जाएगा इस तरह से बताया गया है इसके साथ प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक परीक्षार्थियों को अपनी ओ एम आर सीट के मुख्य पृष्ठ पर निर्देश अनुसार निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमण आदि लिखना होगा अर्थात आप जो जो आपको एम आर मिला गया उसमें आपको अपना रोल नंबर अच्छे ढंग से लेकर उसको भरना होगा इसके बाद बोल रहा है किसी भी परीक्षार्थी सहायक अध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा समाप्त होने से पहले न तो सीट छोड़ सकते हैं और न ही परीक्षा भवन से उठकर बाहर जा सकते हैं इस तरह से यहाँ पर निर्देश बताया गया है इसके बाद बताया गया है परीक्षार्थी परीक्षा के एक घंटे समय बिताने पर ही कोई परीक्षार्थी अधीक्षक के अनुमति से परीक्षा कक्ष के बाहर शौचालय के लिए जा सकते हैं यदि किसी भी परीक्षार्थी का किसी कारणवश परीक्षा अधीक्षक से कुछ कहना या कुछ पूछना हो तो वह अपनी निर्धारित सीट पर खड़े होकर पूछ सकते हैं इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ बोल रहा है परीक्षार्थी कक्ष में उपस्थ परीक्ष परिक्ष... परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी द्वारा एक दूसरे से मदद लेना या देना अथवा एक दूसरे से बातचीत करना सर्वथा अर्चित है पकड़े जाने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा इसके बाद अगला कह रहा है परीक्षा बहुविकल्पीय एम सी क्यू क्वेश्चन पर आधारित होंगे एवं उत्तर हेतु ओ एम आर सीट दिया जाएगा अर्थात आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको आंसर के लिए ओ एम आर सीट दी जाएगी इसके बाद अगला पॉइंट कहता है परीक्षा समाप्त हो जाने पर उत्तर पुस्तिका ओ एम आर सीट सहायक अधीक्षक को सौंप देनी होगी इसके बाद अगला पॉइंट कर रहा है परीक्षार्थी के माता पिता अभिभावक को परीक्षा परिसर स्थल में अनुमति नहीं दी जाएगी तो इस तरह से आपको निर्देश दिया गया है इसको अच्छी ढंग से देख लें वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बेस्ट ऑफ लक